Hello friends, welcome to our YouTube channel Advanced Agriculture. Education leads to advancement. Only YouTube channel with enhanced knowledge of classroom teaching and practical knowledge. आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 इंसेक्ट हेड। दोस्तों नए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम हमारे पुराने लेक्चर का छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन यानी ब्रांच ऑफ जूलॉजी साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ इंसेक्ट। यानी एंटोमोलॉजी जूलॉजी साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम बाह्य एवं आंतरिक संरचना के बारे में एवं उसके प्रबंधन के बारे में अध्ययन करते हैं कीट के। हमने पढ़ा था आर्थ्रोपॉड्स क्या होते हैं। तो आर्थ्रोपॉड्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स हुज अपेंडिजेस आर जॉइंटेड एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स दैट इज नोन एज टैग्मा। यानी आर्थ्रोपॉड एक ऐसा जीव है जिसकी बॉडी जो है वो विभिन्न सेगमेंट्स में डिवाइड होती है और उसके अपेंडिजेस जॉइंटेड होते हैं। इट हैज डिफरेंट क्लासेस अमंग विच इंसेक्ट बिलोंग्स टू हेक्सापोडा मीन्स सिक्स लेग्स। इस आर्थ्रोपॉड्स की विभिन्न क्लासेस होती हैं, चार पांच तरह की क्लासेस हमने स्टडी करी थी जिसमें से हेक्सापोडा मेन थी। हेक्सापोडा क्या होता है, वह ऑर्गेनिजम्स जिनके छह पैर होते हैं उसको हम कहते हैं हेक्सापोडा। और इंसेक्ट में हमने पढ़ा था इंसेक्ट हैज थ्री सेगमेंटेड बॉडी विद डिफरेंट फंक्शंस। यानी इंसेक्ट्स उन जीवों को कहा जाता है जो हेक्सापोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं और जिनकी बॉडी तीन सेगमेंट्स में बटी होती है, साथ ही जिनके शरीर पर तीन जोड़ी पैर मौजूद होते हैं यानी छह टांगे मौजूद होती हैं। नीचे के डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ये देखिए बॉडी हमें तीन पार्ट्स में डिवाइडेड हो रही है। पहला पार्ट है हेड, दूसरा पार्ट है थोरेक्स और तीसरा पार्ट है एब्डोमन। साथ ही हमने पढ़ा था कि थोरेक्स भी तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो ये देखिए प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, ये तीन पार्ट हैं थोरेक्स के और हर थोरेक्स के पार्ट से एक एक जोड़ी पैर डेवलप हो रहा है। ये भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। और ऊपर देखिए यहां से हमारे विंग्स डेवलप हो रहे हैं, यानी मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स जो थोरेक्स का सेगमेंट होता है वहां से फोर विंग और मेटाथोरेक्स से हाइंड विंग डेवलप होता है। ये सारा हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। वीडियो का डिस्क्रिप्शन हमारे चैनल में मिल जाएगा आपको, आप चाहे तो उसे वापस से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नए लेक्चर की तरफ। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा नया लेक्चर इंसेक्ट हेड सेगमेंटेशन। इंसेक्ट हेड जो है आप देख सकते हैं छह सेगमेंट से मिलके बना है। एक्रॉन के साथ में छह सेगमेंट्स जब जुड़ते हैं तो इंसेक्ट हेड डेवलप होता है। इंसेक्ट हेड आप देख सकते हैं कि कैप्सूल की तरह फॉर्म में है। आप ये देखिए ये पूरा जो इंसेक्ट हेड है ये कैप्सूल के फॉर्म में है। इस कैप्सूल को ही हम इंसेक्ट हेड कहते हैं। ये छह सेगमेंट से मिलके बना होता है। सबसे आगे वाला जो पार्ट है ये होता है एक्रॉन। एक्रॉन किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक्रॉन क्या होता है। तो एक्रॉन एक ऐसा पोर्शन होता है जो ऑर्थोपॉड्स ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे पहले आता है, यानी प्री ओरल पोर्शन ऑफ द ऑर्थोपॉड्स इज नोन एज एक्रॉन। मुंह के आगे की तरफ जो सबसे आगे वाला भाग होता है उसे कहते हैं एक्रॉन। उसके बाद में छह डिफरेंट सेगमेंट्स स्टार्ट होते हैं और जब इन सारे छह सेगमेंट्स को एक साथ फ्यूज कर देते हैं तो इंसेक्ट हेड बनके तैयार हो जाता है। इनमें सबसे पहला सेगमेंट है लेब्रल, फिर एंटेनल, फिर इंटरकैलरी, फिर मैंडिबुलर, फिर मैक्सिलरी और लास्ट में आता है लेबियल सेगमेंट। इस तरीके से ये छह डिफरेंट सेगमेंट्स बन तैयार करते हैं एक कंप्लीट इंसेक्ट हेड को। तो आगे आइए देखते हैं हम किस तरीके से हेड फॉर्मेशन होता है। हेड इज द फर्स्ट एंटीरियर टैग्मा फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट्स। हेड जो है इंसेक्ट बॉडी का सबसे अग्र भाग है या सेगमेंट है या टैग्मा है।
आप सब जानते हैं टैग्मा किसे कहते हैं। मैं पिछली वीडियो में अपने बता चुका हूँ कि टैग्मा किसे कहते हैं, यानी बॉडी के किसी भी एक सेगमेंट को टैग्मा कहा जाता है, और जब सारे सेगमेंट कंबाइल हो जाते हैं तो उसे टैग्मोसिस कहा जाता है। तो हेड क्या है? फर्स्ट एंटीरियर टैग्मा फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट्स। अगर हम ध्यान देते हैं ए डायग्राम की तरफ तो आप देखिए ये यहाँ पे एक लंबा सा इंसेक्ट का डोर्सल व्यू बता रखा है। आपको पता है डोर्सल व्यू क्या होता है? डोर्सल व्यू यानी जब किसी भी चीज को हम जब ऊपर से देखते हैं तो उस व्यू उस डायरेक्शन को कहते हैं डोर्सल व्यू। तो यहाँ पे दो तरह के सेगमेंट्स डेवलप हुए हैं, ग्नेथोसिफेलॉन एंड प्रोसिफेलॉन। प्रो मतलब नाम से ही बता रहा है आगे वाला, और ग्नेथो मतलब होता है मुंह, जबड़ा, ऐसा ऐसी प्लेस जहां पे खाने के लिए कोई भी ऑर्गन मौजूद होता है उसे कहते हैं ग्नेथोसिफेलॉन। तो यहां पे आप देखिए आगे की तरफ जो है वो है प्रोसिफेलॉन, और पीछे की तरफ जो है वो है ग्नेथोसिफेलॉन, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा हेड तैयार हो रहा है। आप देखिए येलो कलर, ब्राउन कलर, मेहरून कलर, लाइट ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर, उसके बाद में पर्पल कलर, और लास्ट में लाइट ब्लू कलर। सेम ये सारे कलर यहाँ पे भी दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा कलर किस सेगमेंट को डिनोट करता है। जब ये सारा का सारा प्रो और सिफिलॉन और ग्नेथोसिफिलॉन एक साथ फ्यूज हो जाते हैं तो ये बी डायग्राम जो है इस तरह का कैप्सूल तैयार होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से सेगमेंट्स अलग अलग कलर में किस किस नाम से जाने जाते हैं और उनका काम क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं येलो कलर के सेगमेंट की। सबसे पहला है येलो कलर का सेगमेंट लेबियल सेगमेंट, जो सबसे पीछे की तरफ है। आप ये देखिए यहाँ पे भी सबसे पीछे है और यहाँ पे भी सबसे पीछे है। उसके बाद में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाइट वाइट डॉटेड डॉटेड पोर्शन, ये आ जाता है आपका क्रेनियम, यानी दिमाग की हड्डी जिसे हम कपाल कहते हैं। दिमाग की हड्डी को कहते हैं क्रेनियम, तो ये यहाँ पे आ जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा हेड कैप्सूल की जो प्लेट्स हैं, जो सेगमेंट्स हैं, वो कहाँ से चालू हो रही हैं। ये देखिए येलो पार्ट से ये चालू होती हैं। येलो पार्ट जो है वो डिनोट करता है लेबियल को। लेबियल शब्द बना है लेबियम से। लेबियम मतलब होता है निचला होंठ। जैसे हमारे मुंह के नीचे की तरफ, मुंह के नीचे की तरफ ये निचला होंठ होता है, और जब हम खाना खाते हैं या बोलते हैं या बातचीत कुछ भी करते हैं तो सिर्फ नीचे वाला जबड़ा हिलता है और उसी के साथ हिलता है हमारा निचला होंठ। और जब भी हम खाना खाते हैं तो नीचे वाले होंठ की वजह से ही हम हमारे मुंह को बंद कर पाते हैं। सेम फंक्शन इंसेक्ट के हेड में भी होता है लेबियम का, इसलिए इसको कहा जाता है लेबियल सेगमेंट। उसके बाद में डार्क ब्राउन कलर में हम देखेंगे मैक्सिलरी। जैसे हमारी नाक होती है वैसे ही इनके सूंघने की शक्ति जो होती है वो होती है इनके मैक्सिलरी में। मैक्सिली नाम का एक ऑर्गन होता है जो लेबियम और लेब्रम और मैंडिबल्स के साथ में होता है। ये मैं आगे और समझाऊंगा आपको, जब हम माउथ पार्ट वाला सेक्शन कवर करेंगे तब मैं इसको और अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा कि मैक्सिलरी क्या होती है, लेबियम क्या होता है, लेब्रम क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ शॉर्ट में देखते हैं मैंडिबुलर सेगमेंट, यानी मेहरून कलर वाला जो सेगमेंट है ये है मैंडिबुलर सेगमेंट। आपने चीटा सबने देखा होगा, तो चीटे के मुंह के आगे इस तरीके से दो चुभोने वाले दांत रहते हैं, उन दांत को हम कहते हैं मैंडिबल्स, यानी ये इंसेक्ट के जबड़े होते हैं। इनका काम होता है किसी भी फूड को तोड़ना, पकड़ना, काटना और मुंह के अंदर डालने के लिए लेबियल पल्प काम आते हैं। ये हम आगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद में है इंटर कैलरी सेगमेंट, यानी लाइट ग्रीन कलर का जो सेगमेंट है ये है इंटर कैलरी सेगमेंट। कैलरी सेगमेंट से मतलब गाल वाला जो पोर्शन है, यानी मैंडिबल्स के ऊपर वाला जो पोर्शन जहां पे अंदर की तरफ ओइसोफेगस यानी आहार नाल जाती है, उससे ऊपर वाला जो सेगमेंट कहलाता है वो कहलाता है इंटर कैलरी सेगमेंट। इंटर कैलरी सेगमेंट के बाद है डार्क ग्रीन कलर का एंटीनल सेगमेंट, यानी वो सेगमेंट जिसके ऊपर एंटीना प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं एंटीनल सेगमेंट। इसके बाद आता है ऑक्यूलर या
प्री एंटेनल सेगमेंट। प्री मतलब पहले, ऑक्यूलर, इस रिंग को देख रहे हो आप, ये रिंग कहलाती है ऑक्यूलर, ऑक्यूलर स्क्लेराइड, और इसके बीच में जो ये पोर्शन है ये कहलाता है कंपाउंड आई। तो किसी भी आंख के चारों ओर सर्कल में जो एक स्क्लेराइड डेवलप होती है उसे कहते हैं हम ऑक्यूलर स्क्लेराइड, और उसे कहते हैं ऑक्यूलर सेगमेंट। इस सेगमेंट को कहा जाता है ऑक्यूलर सेगमेंट। और लास्ट में है क्लाइपियो लेब्रल रीजन, यानी यहाँ पे आप ये देखिए, ये वाला जो रीजन है ये कहलाता है क्लाइपियो लेब्रल रीजन। ये क्लाइपियो लेब्रल रीजन जो है दो पार्ट से मिलके बना है, एक तो क्लाइपियस और दूसरा लेब्रम। पहले मैं लेब्रम बता देता हूँ, लेब्रम क्या होता है। जिस तरीके से लेबियल या लेबियम निचला होठ होता है, उसी तरीके से लेब्रम जो होता है ये ऊपर का होठ होता है। आप बिल्कुल अपने मुंह को एग्जाम्पल रख के देखिए कि हमारे मुंह में दो तरह के होठ हैं, एक तो ऊपर वाला होठ, एक नीचे वाला होठ, ठीक है। और इस दोनों होठों के बीच में एक फोरमेन है, यानी एक गड्ढा सा है जिसके अंदर जबड़े मौजूद हैं, जिसे हम कहते हैं माउथ, ठीक है। उसी तरीके से इंसेक्ट का माउथ भी कुछ इसी तरीके से डिजाइन होता है। ऊपर की तरफ होता है लेब्रम यानी ऊपर का होठ, उसके नीचे की तरफ होता है मैंडिबल्स यानी जबड़े, और फिर उसके नीचे की तरफ होता है लेबियम यानी कि निचला होठ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, लेब्रम होता है ऊपर का होठ और लेबियम होता है नीचे का होठ। तो लेबियम से तो बनता है लेबियल और लेब्रम से बनता है लेब्रल, लेब्रल बनता है लेब्रम से, ठीक है। और बात करते हैं अब क्लाइपियस की। जैसे हमारे नाक और होठ के बीच में ये जगह जो है, आपने देखा होगा पशुओं में, गाय भैंस में नथुना होता है, ब्लैक ब्लैक सी जगह होती है मुंह के ऊपर, ठीक है। उसको वैसी ही एक फॉर्मेशन इंसेक्ट के ऊपर भी होती है, उसके मुंह के ऊपर होती है, जो उसके ऊपर के होठ के ठीक ऊपर की साइड में प्रेजेंट होती है, उसको कहते हैं हम क्लाइपियस। क्या कहते हैं? क्लाइपियस। और इस क्लाइपियस और इस लेब्रम को जब साथ में जोड़ देते हैं तो बनता है क्लाइपियो लेब्रल रीजन, जो कि ये स्काई ब्लू कलर का जो कलर है ये। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है ये कौन सा रीजन क्या चीज डिनोट कर रहा है? तो आगे बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए एक इंसेक्ट हेड का साइड व्यू मैंने यहां पे बताया है आपको। इस पे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि इंसेक्ट हेड पे क्या क्या चीज मौजूद होती है। हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से, यानी वर्टेक्स से। वर्टेक्स क्या होता है? जैसे हमारा माथा होता है, हमारा जो इस सर के ऊपर नीचे की साइड में जो माथा है जिसे हम फोरहेड कहते हैं, इसे कहा जाता है वर्टेक्स। उसके नीचे होता है सरकोमोक्यूलर सल्कस, जिसे मैंने ऑक्यूलर बताया था अभी आपको। ये देखिए डार्क ग्रीन कलर में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, और लाइट ग्रीन कलर में जो डिनोट है वो है आपकी कंपाउंड आई। तो कंपाउंड आई के आसपास जो भी रीजन मौजूद है उसे कहते हैं सर्क्यूमोक्यूलर सल्कस, इसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं ऑक्यूलर प्लेट, ठीक है। उसके बाद में हम नीचे चलते हैं और बात करते हैं ऑसिलस की। इसको ऑसिली भी कहा जाता है, और नॉर्मल भाषा में इसको हम कहते हैं सिंपल आई। इंसेक्ट के सर के ऊपर दो तरह की आईज प्रेजेंट होती हैं, एक तो होती है कंपाउंड आईज जो उसके देखने के काम आती है, और एक होती है सिंपल आईज जिनकी वजह से वो देख नहीं पाता, यानी ये आईज देखने के काम में नहीं आती है, सिर्फ मौजूद होती है वहां पे। इनको कहा जाता है ऑसिली या ऑसिलस। ऑसिलस के बाद में बात करते हैं हम एंटीनी की। आप सबको पता है एक वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एंटीना कहलाता है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था एंटीनी क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है जो सेंस करने का काम करता है। उसके बाद कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज के बाद में आता है फ्रॉन्स। फ्रॉन्स क्या होता है? फ्रॉन्स उस पार्ट को कहा जाता है जो मुंह के बिल्कुल सामने मौजूद होता है, यानी इंसेक्ट हेड के जो फ्रंट पोर्शन है उसे कहते हैं हम फ्रॉन्स। फ्रॉन्स के बाद में
आता है पोर्शन जीना। जीना पोर्शन आप इस तरीके से समझिए, जैसे इंसान के चेहरे के ऊपर गाल होते हैं, उसी तरह इंसेक्ट के गालों को कहा जाता है जीना। ये प्रेजेंट होते हैं ऑक्यूलर स्क्लेराइट के नीचे और फ्रॉन्स के बैक साइड में, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। फिर नेक्स्ट है क्लाइपियस। अभी मैंने बताया आपको क्लाइपियस क्या होता है, लेब्रम के ठीक ऊपर वाला पार्ट को हम बोलते हैं क्लाइपियस। लेब्रम इस क्लाइपियस से अटैच रहता है। लेब्रम के बाद में आता है मैंडिबल, जिसे हम जबड़ा कहते हैं। लेब्रम को बोलते हैं ऊपरी होंठ। ऊपर हो मैंडिबल के बाद में मैक्सिली, जैसा मैंने अभी बताया मैक्सिली होता है। उसके बाद में लेबियम यानी नीचे का होंठ। आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, लेब्रम के बाद मैंडिबल, मैंडिबल के बाद में मैक्सिली, और मैक्सिली के बाद में लास्ट में लेबियम। तो आप देखिए, जब लेब्रम और लेबियम दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो मुंह बंद हो जाएगा, और मुंह बंद होने के बाद में क्या होगा, मैंडिबल और मैक्सिली दोनों आपस में एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए हम इसको लेब्रम और लेबियम को ऊपर का होंठ और निचला होंठ कहते हैं। इसके बाद में आप देखिए, ये है मैंडिबुलर मैक्सिलरी आर्टिकुलेशन। ये जो शब्द है मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन मतलब वो पॉइंट जहां पे दोनों जुड़े हुए हैं। आप ये देखिए यहां ध्यान से, यहां देखिए आप मैंडिबल, ये मैंडिबल है, ये चीज मैंडिबल है, और ये है मैक्सिली। तो इन दोनों का जुड़ाव यहां पे हो रहा है, तो इस सेगमेंट को कहते हैं मैंडिबुलर मैक्सिलरी आर्टिकुलेशन। नेक्स्ट है सब जीना। सब जीना मतलब जीना के जस्ट पीछे वाला पोर्शन कहलाता है सब जीना। जैसे हमारे गाल के पीछे, जो कान के नीचे और गाल के पीछे वाला जो पोर्शन होता है, जहां पे अगर हम हाथ लगाते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अंदर हमारे मुंह के जबड़े को हाथ लगा रहे हैं, हमारे जॉस को हाथ लगा रहे हैं, तो वही वाला पोर्शन जो होता है वो कहलाता है सब जीना। सब जीना के पीछे जो पोर्शन होता है वो होता है पोस्टीरियल टेंटोरियल पिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पोस्टीरियल टेंटोरियल पिट। पोस्टीरियर क्यों? क्योंकि पीछे की साइड हम बात कर रहे हैं, इसलिए पोस्टीरियर। अगर आगे की तरफ बात करते तो एंटीरियर होता, लेकिन हम बात कर रहे हैं पीछे की तरफ तो ये होगा पोस्टीरियर। और टेंटोरियल पिट क्या होता है, जैसे हमारे दिमाग के अंदर, माफ कीजिएगा, हमारे हेड के अंदर एक हड्डी होती है जो पूरा स्ट्रक्चर बना के रखती है, पूरा सपोर्ट दे के रखती है, वैसे ही इंसेक्ट के हेड के अंदर एक टेंटोरियम नाम का स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर इस पूरे के पूरे सेगमेंट्स को सपोर्ट दे के रखता है, एक शेप दे के रखता है, इसलिए इसको कहते हैं टेंटोरियल पिट। यानी यहां से, इस पिट से, इस गड्ढे से वो संरचना जो है, वो स्ट्रक्चर जो है जिसे हम टेंटोरियम कहते हैं, वो डेवलप होना चालू करता है। मैं आगे अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद में है पोस्ट जीना, यानी जीना के भी बैक साइड वाला एरिया जो है वो है पोस्ट जीना। उसके बाद में आता है पोस्ट ऑक्सीपिटल सल्कस या सूचर। पोस्ट ऑक्सीपिटल क्या होता है, ऑक्सीपिट के बाद वाला जो पोर्शन होता है। आप अपने सिर के ऊपर एक बार हाथ लगाइए और पीछे वाला जो एरिया है आपके सिर का, वैसे ही इंसेक्ट के जो सर के पीछे वाला एरिया जो होता है उसे कहा जाता है ऑक्सीपिट। लेब्रियम, लेबियम और वर्टेक्स के बीच वाला जो एरिया होता है, ये देखिए, ये जो पोर्शन था, ये पोर्शन है लेबियम पोर्शन और ये है वर्टेक्स। तो इन दोनों के बीच वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है ऑक्सीपोड, और जस्ट इसके पीछे वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है पोस्ट ऑक्सीपोड। तो इस पोस्ट ऑक्सीपोड और ऑक्सीपोड को जोड़ने वाली जो सूचर है, यानी जो लाइन है, उसे कहते हैं पोस्ट ऑक्सीपिटल सल्कस। आई होप आपको पूरा ये डायग्राम समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज कहां पे मौजूद है और उसका क्या काम होता है। आप इस डायग्राम को एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए, और सारे जितने भी इसके लेबलिंग्स हैं उन लेबलिंग्स को एक बार अच्छे से समझ लीजिए,
और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, ताकि जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको फ्री टाइम मिले, तो इस स्क्रीन को आप बार बार देखिए कि कौन सा ऑर्गन, कौन सा सेगमेंट किस जगह पे मौजूद है, कहाँ पे अटैच है, उससे आपको पूरा का पूरा इंसेक्ट हेड का डायग्राम आपके आंखों के सामने याद हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेड के सेगमेंट समझने के बाद में हम आते हैं स्क्लेराइट्स ऑफ हेड पे। स्क्लेराइट्स क्या होती हैं? स्क्लेराइट्स आर द हार्ड प्लेट्स ऑफ काइटिन ऑन क्यूटिकल विच इज यूज टू कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इट। मैंने पिछले वीडियो में जैसा समझाया था, स्क्लेराइट्स उन हार्ड प्लेट्स को बोलते हैं जो काइटिन की बनी होती है, और इसका काम क्या होता है? बॉडी को प्रोटेक्ट करना, स्ट्रक्चर देना या कवर करना। तो ठीक वैसे ही हेड में भी काफ़ी सारी हार्ड प्लेट्स होती हैं, जिन्हें हमने सेगमेंट बोला है, और इन्हीं हार्ड प्लेट से स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है एक हेड कैप्सूल का। तो वर्टेक्स आपने अभी समझ ही लिया, वर्टेक्स किसे कहते हैं, फ्रॉन्स किसे कहते हैं, क्लाइपियस किसे कहते हैं, जीना किसे कहते हैं, ऑक्सीपुट किसे कहते हैं, अभी हमने पिछले डायग्राम में समझा था। वर्टेक्स क्या होता है? समिट ऑफ द हेड बिटवीन कंपाउंड आईज। मैंने अभी आपको बताया हमारा फोरहेड जो है उसे हम वर्टेक्स कह सकते हैं। इंसेक्ट में सेम उसी एरिया को वर्टेक्स कहा जाता है। फ्रॉन्स, फेशियल एरिया बिलो द वर्टेक्स एंड अबव क्लाइपियस। क्लाइपियस क्या होता है? क्रेनियल एरिया बिलो द फ्रॉन्स टू विच लेब्रम इज अटैच, यानी फ्रॉन्स के नीचे क्रेनियल एरिया जहां पे लेब्रम अटैच होता है। जीना क्या होता है? लेटरल क्रेनियल एरिया बिहाइंड द कंपाउंड आईज। और ऑक्सीपुट क्या होता है? क्रेनियल एरिया बिटवीन ऑक्सीपिटल एंड पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर। ये क्रेनियल क्या होता है? क्रेनियल शब्द बना है क्रेनियम से, सी आर ए एन आई यू एम, ये शब्द है क्रेनियम। क्रेनियम का मतलब होता है कपाल। आप समझ चुके हैं कपाल का मतलब खोपड़ी जिसे कहते हैं। वैसी ही एक बोन होती है इंसेक्ट के हेड के अंदर जो अटैच होती है पीछे की बॉडी से, इसे हम कहते हैं क्रेनियम। और इसी क्रेनियम से बना है शब्द क्रेनियल एरिया, यानी क्रेनियम के ऊपर जो एरिया है वो कहलाता है क्रेनियल एरिया। तो लेटरल क्रेनियल एरिया बिहाइंड द कंपाउंड आईज क्या कहलाता है? जीना कहलाता है। आइए इसे एक बार वापिस से डायग्राम से समझ लेते हैं। ये देखिए ऊपर वाला पोर्शन कंपाउंड आईज के बीच में वर्टेक्स कहलाता है, उसके बाद में ऑसिली जिसे हमने सिंपल आई बोला है, ये एंटीना, ये कंपाउंड आईज, यहां पे ये क्लाइपियस प्रेजेंट है, क्लाइपियस के नीचे लेब्रम, और लेब्रम के साथ में प्रेजेंट है आपके मैंडिबल्स जो इंसेक्ट के जबड़े कहलाते हैं, और ये नीचे आप देख सकते हैं ये है मैक्सिली, और मैक्सिली के जस्ट पीछे की तरफ होता है लेबियम। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपने समझ लिया। आइए कुछ और चीजों पे ध्यान देते हैं। जैसे सूचर्स ऑफ हेड, सूचर्स क्या होते हैं? स्क्लेराइट आपके समझ में आ गया कि इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर जो भी हार्ड प्लेट्स होती हैं काइटिन की बनी हुई, हम उनको स्क्लेराइट्स कहते हैं। लेकिन इन स्क्लेराइट्स को जोड़ने पर जो इन्वेजिनेशन डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं सूचर या सल्कस। ये देखिए ये पहली स्क्लेराइट और ये दूसरी स्क्लेराइट, इन दोनों को जब आपस में जोड़ा तो ये देखिए एक इन्वेजिनेशन डेवलप हुआ यहाँ पे, इस जगह पे, तो इसे हम कहते हैं सूचर। और इस इन्वेजिनेशन से एक लंबी सी लाइन डेवलप हो जाती है जिसे कहा जाता है सूचर या सल्कस। तो लीनियर इन्वेजिनेशन ऑफ द एक्सोस्केलेटन बिटवीन टू स्क्लेराइट्स आर कॉल्ड एज सूचर। ये आपसे डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो कितने तरह के सूचर्स जो हैं, इंपॉर्टेंट सूचर्स जो हैं, वो इंसेक्ट के हेड पे मौजूद होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिक्रीनियल सूचर की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचर ऑफ इंसेक्ट
हेड एज वेल एज इंसेक्ट बॉडी। ये इंसेक्ट बॉडी और इंसेक्ट हेड दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट सूचर होता है, या यूं कह सकते हैं लाइन ऑफ फ्यूजन ऑफ टू स्क्लेराइट्स होता है। इसे हम एक्डाइसियल लाइन भी बोलते हैं। इन्वर्टेड वाई शेप सूचर फाउंड मीडियली ऑन द टॉप ऑफ द हेड विद इन अ विद अ मीडियन सूचर कोरोनल सूचर एंड लेटरल सूचर्स यानी कि फ्रंटल सूचर्स। मैं आपको यहां समझा देता हूं। आप ये देखिए उल्टा वाई, आपको यहां डायग्राम में ये उल्टा वाई दिख रहा होगा जिसको मैंने अभी हाईलाइट कर दिया है। इस उल्टे वाई को आप अच्छी तरीके से देखिए, इस उल्टे वाई को अच्छी तरह से देखने के बाद हमें ये समझ में आता है कि ऊपर की तरफ तो वर्टेक्स वाला पोर्शन है, इसके एक तरफ है कंपाउंड आई और दूसरी तरफ है कंपाउंड आई। तो जब तीन तरह की स्क्लेराइट्स यहाँ पे मिल रही हैं और नीचे की तरफ है फ्रॉन्स, तो जब ये तीन स्क्लेराइट्स एक दो और ये तीन तीन स्क्लेराइट्स अगर एक तरफ मिलती है तो वहां पे डेवलप होता है एक्डाइसियल सूचर या एपिक्रेनियल सूचर। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो लाइन है, ये एक्डाइसियल लाइन है, ये सबसे पहले इंसेक्ट की बॉडी पे डेवलप होती है। यानी कि जब भी इंसेक्ट नई फॉर्म में आता है, जैसे आपने देखा होगा तितली, तितली पहले कैसी रहती है? इल्ली की तरह रहती है, यानी कैटरपिलर फॉर्म में रहती है, जिसे हम आम भाषा में लट भी बोलते हैं। तो जब ये लट प्यूपेशन के बाद में तितली यानी बटरफ्लाई बन जाती है, तो ये बटरफ्लाई बनने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस चालू होता है इस एग्डाइसियल लाइन से या एपिक्रेनियल सूचर से। इसीलिए ये सूचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सूचर माना जाता है। नेक्स्ट है फ्रोंटोजेनल सूचर। फ्रोंटोजेनल सूचर अपने आप में ही अपने नाम की परिभाषा पूरी बता देता है। फ्रोंटो बना है फ्रॉन्स से और जीनल बना है जीना से, यानी फ्रॉन्स और जीना को अगर कोई लाइन जोड़ रही है तो उसे कहते हैं हम फ्रोंटोजेनल सूचर। आप ये देखिए, ये फ्रॉन्स है और ये जीना है, और ये जो लाइन है जो इन दोनों को जोड़ती है ये कहलाती है फ्रोंटोजेनल सूचर। प्रेजेंट बिटवीन द फ्रॉन्स एंड जीना एट फ्रंट साइड ऑफ हेड। नेक्स्ट जो सूचर है वो है एपिस्टोमल सूचर या फ्रोंटोक्लाइपियल सूचर। फिर से नाम पे आप ध्यान दीजिए, फ्रोंटोक्लाइपियल यानी फ्रॉन्स और क्लाइपियस, ऐसी लाइन या ऐसा इन्वेजिनेशन जो फ्रॉन्स और क्लाइपियस दोनों को जोड़ता है उसे कहते हैं हम फ्रोंटोक्लाइपियल। यानी ये तो रहा हमारा क्लाइपियस वाला पोर्शन और ये रहा हमारा फ्रॉन्स वाला पोर्शन, और इस पोर्शन को कहा जाता है फ्रोंटोक्लाइपियल या एपिस्टोमल सूचर। अच्छा, इसे एपिस्टोमल सूचर क्यों कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एपिस्टोमल सूचर, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि एपिस्टोमल सूचर कहाँ होता है या किसे कहते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, एपी मतलब होता है अबव और स्टोमा मतलब होता है माउथ पार्ट, यानी ऐसा सूचर जो माउथ पार्ट के ऊपर की तरफ स्टेब्लिश्ड है या डेवलप है तो उसे कहते हैं हम एपिस्टोमल। और इसी के अपोजिट में हाइपोस्टोमल सूचर आता है, यानी हाइपो मतलब बैक साइड में पीछे की तरफ और स्टोमल मतलब माउथ पार्ट, यानी माउथ पार्ट्स के पीछे की तरफ जो सूचर होता है वो कहलाता है हाइपोस्टोमल सूचर, जिसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्रोंटोक्लाइपियल सूचर या एपिस्टोमल सूचर कैसा होता है, कहां होता है, फाउंड बिटवीन फ्रॉन्स एंड क्लाइपियस। नेक्स्ट है क्लाइपियोलेब्रल सूचर। फिर से नाम बता रहा है क्लाइपियस और लेब्रम। ये देखिए क्लाइपियस कहां पे है और लेब्रम कहां पे है, आप खुद देखिए इस डायग्राम के अंदर कहां पे क्लाइपियस है और कहां पे लेब्रम है। तो जो लाइन क्लाइपियस और लेब्रम दोनों को जोड़ती है उस लाइन को हम कहते हैं क्लाइपियोलेब्रल सूचर। नेक्स्ट सूचर जो है वो है पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर। पिछले डायग्राम में मैंने आपको समझाया था कि वर्टेक्स के पीछे की साइड में जो एरिया होता है वो कहलाता है ऑक्सीपुट,
और ऑक्सीपुट के बाद जो एरिया होता है वो कहलाता है पोस्ट ऑक्सीपुट। तो पोस्ट ऑक्सीपुट एरिया को और इस ऑक्सीपुट को जब हम जोड़ते हैं तो वो एरिया कहलाता है पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर, या आप यूं कह सकते हैं इंसेक्ट के सर और इंसेक्ट की गर्दन को जो जोड़ने वाली जो लाइन है, जो एरिया है, उसे कहते हैं पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर, ग्रूव बॉर्डरिंग ऑक्सीपिटल फोरामोन। जब आप वीडियो को वापस पीछे करके देखेंगे तो डायग्राम में आपको आसानी से नजर आएगा कि कहाँ पे पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर सिचुएटेड है। नेक्स्ट जो सूचर है वो है हाइपोस्टोमल सूचर। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया एपिस्टोमल सूचर का ठीक अपोजिट, एपी मतलब अबव और हाइपो मतलब पीछे की तरफ, ओपी एपिस्टोमल यानी माउथ के ऊपर की तरफ, और हाइपोस्टोमल मतलब माउथ के पीछे की तरफ जो सूचर मौजूद होता है वो कहलाता है हाइपोस्टोमल सूचर, यानी बैक साइड ऑफ एपिस्टोमेटा बिलो द ऑक्सीपिटल फोरामन एट बैक साइड ऑफ हेड। यानी कि एपिस्टोमेटा जो यानी मुख के ऊपर वाला जो भाग है, वो लाइन जो एपिस्टोमल सूचर है उसके जस्ट पीछे वाली इंसेक्ट हेड के पीछे की साइड में जो एक और लाइन बनती है उसे कहते हैं हम हाइपोस्टोमल सूचर। ये लाइन कहाँ पे होती है? ऑक्सीपिटल फोरामोन के बिल्कुल नीचे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑक्सीपिटल फोरामोन क्या होता है, तो आइए हम इस डायग्राम से देखते हैं कि ऑक्सीपिटल फोरामोन होता क्या है। ये देखिए, ये है फ्रंट पोर्शन ऑफ द इंसेक्ट हेड और ये है बैक व्यू ऑफ इंसेक्ट हेड। फ्रंट हमने अभी अच्छी तरीके से समझ लिया था, फ्रंट में क्या क्या होता है, वर्टेक्स होता है, ओसिली होती है, एग्डाइसियल सूचर मौजूद होता है, फ्रोंटोजिनल सर्कस, फ्रोंटोक्लाइपियल सूचर, मैंडिबल्स होते हैं, लेबियम है, क्लाइपियस है, सारी चीजें अभी हमने यहाँ पे समझ ली। ये फ्रॉन्स है, फ्रॉन्स के नीचे क्लाइपियस मौजूद होता है, ये जीना है, ये सब चीज हमने अभी पढ़ी है। लेकिन अब इंसेक्ट के पीछे की तरफ चलते हैं, यानी उसके हेड के पीछे की तरफ। तो पीछे से व्यू किस इस तरह से नजर आता है, ये देखिए ऊपर वाला पोर्शन वर्टेक्स, वर्टेक्स के पीछे ऑक्सीपुट, और ऑक्सीपुट के नीचे जो पोस्ट जीना वाला पोर्शन था ये पीछे तक आ रहा है, और उसके नीचे ये देखिए खड्डे जैसा, जो आपको ये डार्क पर्पल कलर में जो एक खड्डे जैसा नजर आ रहा है, इसे कहते हैं हम ऑक्सीपिटल फोरामेन। फोरामेन मतलब इनवेजिनेशन, गड्ढा कह सकते हैं हम, एक खोखला जगह कह सकते हैं, खोखली जगह कह सकते हैं इसको। तो ये क्या होती है, ये खोखली जगह जो है ये काम करती है गर्दन को बॉडी से जोड़ने का और सर से जोड़ने का, यानी एक ऐसा जंक्शन है जहां से बॉडी और सर जुड़ते हैं, वहीं पे नीचे होता है पोस्टीरियर टेंटोरियल पिट। जैसे हमारी गर्दन, आप देखिए हमारी गर्दन एक जंक्शन का काम करती है सर को और हमारी बॉडी को जोड़ने का, वैसे ही ऑक्सीपिटल फोरामोन जो होता है एक गड्ढानुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्रैनियम अटैच होता है। क्रैनियम शब्द जो अभी मैंने पीछे इस्तेमाल किया था, खोपड़ी और कपाल, वो उसकी तरह की एक हड्डी होती है जो पीछे की तरफ अटैच होती है इस ऑक्सीपिटल फोरामोन से, और इसी फोरामोन के अंदर से इंसेक्ट की जितनी भी नसें होती है, जितनी भी नर्व्स होती है, ओर्टा हो गया, उसका कार्डियो सिस्टम हो गया, ये पूरा का पूरा जो हो सिस्टम है वो यहां से अटैच होके पीछे की तरफ निकलता है, इसे कहते हैं हम ऑक्सीपिटल फोरामोन। आप देख लीजिए ये डायग्राम के अंदर हर एक चीज आपको क्लियरली नजर आ जाएगी, हाइपोस्टोमल सूचर कहाँ होता है और एपिस्टोमल सूचर कहाँ होता है। देखिए ये एपिस्टोमल सूचर है यहाँ पे, और ठीक इसके पीछे की साइड में ये हाइपोस्टोमल सूचर है। नीचे की तरफ लेब्रम है, ठीक है, ये मैक्सिली है, उसके बाद में हाइपोस्टोमल ब्रिज यहाँ जाने, यानी कि जहाँ पे ये हाइपोस्टोमल सूचर जो है अटैच होता है वहां पे उसे कहते हैं हाइपोस्टोमल ब्रिज। इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये और अच्छी तरीके से समझ में आ सके। जब भी आपको टाइम मिले, फ्री टाइम मिले, तो एक बार फोटो इसकी जरूर देखिएगा, इसकी इमेज पे जरूर ध्यान दीजिएगा। जब भी आप पढ़ें इंसेक्ट हेड की, जब भी स्टडी करें, तो इस डायग्राम को एक बार साथ में रख के
इसके साथ में ही पढ़ाई कीजिएगा ताकि आपको व्यूज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। कुछ चीजें जो हैं जो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, थिंग्स टू रिमेंबर, जैसा कि मैंने बताया ऑक्सीपिटल फोरामेन क्या होता है, पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द क्रेनियम, पिछली ओपनिंग, मैंने बताया था गड्ढा होता है जहां से नसों का कनेक्शन चालू होता है, तो पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द क्रेनियम थ्रू विच ओटा फॉरगट वेंट्रल नर्व कोड एंड नेक मसल्स पासिस इज नोन एज ऑक्सीपिटल फोरामेन। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीपिटल फोरामेन क्या होता है। नेक्स्ट है सिफेलिक अपेंडेजेस। सबसे पहले सिफेलिक क्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और अभी फिर बता रहा हूं, हेड पोर्शन को बोलते हैं हम सिफेलिक। तो यहां पे द अपेंडेजेस लाइक अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, ऑसेली, पेयर ऑफ एंटीना, माउथ पार्ट्स आर नोन एज सिफेलिक अपेंडेजेस। मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको बहुत बार समझा चुका हूं कि अपेंडेजेस एक्सटर्नल अपियर्ड ऑर्गन्स को बोलते हैं जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं, उनको कहते हैं अपेंडेजेस। और जब शब्द जुड़ा है सिफेलिक अपेंडेजेस, यानी हेड के ऊपर मौजूद वो सारे बाह्य ऑर्गन्स जिसे हम एक्सटर्नली इजिली व्यू कर सकते हैं। तो हम क्या क्या व्यूज कर सकते हैं वहां पे, कंपाउंड आइज हम देख सकते हैं, ऑसिली हम देख सकते हैं, एंटीना हम देख सकते हैं, माउथ पार्ट हम वहां पर देख सकते हैं, इसलिए इनको कहते हैं हम सिफेलिक अपेंडेजेस। और लास्ट और इंपॉर्टेंट टेंटोरियम। मैंने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि टेंटोरियम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो इंसेक्ट हेड को अंदर से सपोर्ट देने का काम करता है। जो ये प्लेट्स ऊपर से डेवलप हुई हैं, जो सिक्स तरह के सेगमेंट्स हैं, इनको सपोर्ट देने का जो काम करता है वो कहता है टेंटोरियम। एंडोस्केलेटन, एंडो मतलब अंदर की तरफ और स्केलेटन मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, एंडोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट क्यूटिकल provides space for the attachment of muscles of antenna and mouth parts called as tentorium. आइए tentorium का diagram देखते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। यह है tentorium। वैसे तो मैं इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर, एक अलग से वीडियो बना के आपको जरूर समझाऊंगा कि टेंटोरियम क्या होता है, किस तरह से इसकी वर्किंग होती है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में हम यहाँ पे इसको समझने की एक बार कोशिश करते हैं। ये टेंटोरियम है, ये देखिए आप पूरा स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं नीचे से। सबसे पहले लैब्रम, यहां से आपको समझ में आएगा, या मैं बात कर रहा था ऊपरी होंठ की, और ऊपरी होंठ के ठीक ऊपर क्लाइपियस। ठीक जब हमने हेड का डायग्राम देखा था तो लैब्रम और क्लाइपियस हमें आसानी से नजर आ रहे थे। उन्हीं के पीछे की तरफ ये स्ट्रक्चर उनके सपोर्ट के लिए लगा रहता है। तो अब आप देखिए किस तरीके से ये हेल्प करता है। ये ऑक्सीपिट वाला यानी पीछे का जो सिर है उसको सपोर्ट देने का काम, पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर उसको सपोर्ट देने का काम, सबजीनल सूचर ये वहां जो गाल का पिछला हिस्सा था वहां पे सपोर्ट देने का काम, ये सारा जो सपोर्ट देने का काम है ये करता है ये टेंटोरियम। ये देखिए एपिस्ट्रोमल सूचर हमने पढ़ा था, ये एपिस्ट्रोमल सूचर की सपोर्ट की लाइन यहां पे होता है एपिस्ट्रोमल सूचर। तो इस तरीके से ये टेंटोरियम पूरी काम करता है, सपोर्ट देता है इंसेक्ट हेड को, क्योंकि इंसेक्ट हेड एक कैप्सूल की तरह होता है। अगर टेंटोरियम उसके अंदर मौजूद नहीं होगा तो किसी भी एक्सटर्नल डैमेज की वजह से इंसेक्ट का हेड डैमेज हो सकता है, पिचक सकता है, या हो सकता है इंसेक्ट मर भी जाए। इसलिए टेंटोरियम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल स्ट्रक्चर होता है। मैं इसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन और इसकी वर्किंग आपको नेक्स्ट लेक्चर में या जब भी मैं इसका वीडियो बनाऊंगा जरूर समझा दूंगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाएगी।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेड अलाइनमेंट ऑफ इंसेक्ट। आई होप आपको हेड का पूरा कॉन्फ़िगरेशन, पूरा सेगमेंटेशन समझ में आ गया होगा। स्क्लेराइट्स क्या होती हैं, सूचर्स क्या होते हैं, हेड में कितनी स्क्लेराइट्स हैं, कितने तरह के सूचर्स हैं, इम्पॉर्टेंटली अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हेड अलाइनमेंट ऑफ इंसेक्ट, यानी हेड इंसेक्ट में कितने तरह के अलाइनमेंट में लगा होता है। तो आगे पढ़ते हैं, द पोजिशन ऑफ माउथ पार्ट इन रिलेशन टू द बॉडी एक्सिस डिफर्स इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स। द माउथ में पार्ट प्रोजेक्ट डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड एंड द हेड अकॉर्डिंगली इज डेजिग्नेटेड एज द फॉलोइंग टाइप। मैं आपको समझा दूं कि इंसेक्ट का जो हेड होता है वो उसकी बॉडी से डिफरेंट एक्सिस में अटैच होता है। कहीं पे नीचे की तरफ उसका मुंह होता है, कहीं पे सामने की तरफ होता है, कुछ इंसेक्ट स्पीशीज में पीछे की तरफ भी होता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस को हमने टेक्निकली अलग अलग नाम से डिफाइन किया है। तो पहला जो है वो है हाइपोगनेथस, दूसरा जो है प्रोगनेथस और तीसरा जो है वो है ऑपिस्टोगनेथस। गनेथस मतलब क्या होता है, गनेथस मतलब होता है मुंह। तो देखिए, प्रोगनेथस, हाइपोगनेथस एंड ऑपिस्टोगनेथस। प्रोगनेथस नाम जो है वो अपने आप में ही डिफाइन कर रहा है, प्रो मतलब आगे की तरफ, गनेथस मतलब मुंह। यानी ऐसे इंसेक्ट जिनका मुंह बॉडी एक्सिस से ठीक आगे की तरफ, सामने की तरफ होता है, उसे कहा जाता है प्रोगनेथस। हाइपोगनेथस किसे कहते हैं, हाइपो मतलब परपेंडिकुलर, तो जिनका मुंह या हेड बॉडी एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है उसे कहते हैं हम हाइपोगनेथस। ये बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा राम जी का घोड़ा, सबने देखा है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में राम जी का घोड़ा कहते हैं, दैट्स अ ग्रास ऑपर, ग्रास ऑपर टिड्डा भी जिसे कहते हैं हम। तो इसे आप देखो, जब हम उसको देखते हैं तो उसका मुंह क्या होता है, एक्सिस से हाइपो वाली फॉर्म में होता है, यानी परपेंडिकुलर फॉर्म में होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं हाइपोगनेथस। और लास्ट है ऑपिस्थोगनेथस, ऑपिस्थो मतलब बैक साइड में। तो ऐसे इंसेक्ट्स जिनका मुंह बैक साइड में जुड़ा रहता है उसको कहते हैं हम ऑपिस्थोगनेथस टाइप ऑफ हेड अलाइनमेंट। तो आप यहां पे देखिए, हमारे पास तीन तरह के अलाइनमेंट है यहां पे। पहला है प्रोगनेथस, यानी ऐसे इंसेक्ट जिनका मुंह आगे की तरफ रहता है, हाइपोगनेथस जिनका मुंह परपेंडिकुलर रहता है, और ऑपिस्टोगनेथस जिनका मुंह पीछे की तरफ रहता है। सबसे पहले पढ़ते हैं हाइपोगनेथस। हाइपो मतलब बिलो, यानी नीचे की तरफ, परपेंडिकुलर, गनेथस मतलब मुंह या जबड़े। दिस टाइप इज कॉल्ड ऑर्थोप्टेरट टाइप, यानी ये जो एक्सिस है, ये जो टाइप ऑफ एक्सिस है, ये बेसिकली ऑर्थोप्टेरा नाम ऑर्डर के इंसेक्ट्स में ज्यादातर देखने को मिलता है, इसलिए इसको कहा जाता है ऑर्थोप्टेरॉइड टाइप। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन से हेड अलाइनमेंट को ऑर्थोप्टेरॉइड कहा जाता है, टाइप का कहा जाता है। तो उसका सीधा आंसर है हाइपोगनेथस। द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द हेड इज वर्टिकल, इट इज एट राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी, माउथ पार्ट्स आर वेंट्रली प्लेस्ड एंड प्रोजेक्ट डाउनवर्ड। और इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ग्रास होपर एंड कॉकरोच। ये देखिए किस तरीके से ये रहता है, नीचे की तरफ रहता है परपेंडिकुलर फॉर्म में एक्सिस से, ये बॉडी की एक्सिस है और ये है हेड की एक्सिस। तो ये देखिए परपेंडिकुलर फॉर्मेशन बनाता है, और ये रहा डायग्राम कॉकरोच का। आप यहां पे देखिए, ये बॉडी की एक्सिस और ये रहा हेड का एक्सिस, इसलिए हम इसको कहते हैं हाइपोगनेथस। नेक्स्ट है प्रोगनेथस। प्रो मतलब इन फ्रंट और गनेथस मतलब आपको पता है मुंह या जबड़ा। दिस टाइप इज ऑल्सो कॉल्ड कोलियोप्टेरॉइड टाइप, यानी कि फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बनता है, कौन सा अलाइनमेंट, हेड अलाइनमेंट जो है वो कोलियोप्टेरॉइड टाइप कहलाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए प्रोगनेथस। द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द हेड इज हॉरिजॉन्टल, इट इज लाइन विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी,
माउथ पार्ट्स आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड, और इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ग्राउंड बीटल, या आपके घर का आंट भी आप देख सकते हो, उसका भी जो मुंह होता है, जो हेड अलाइनमेंट होता है, वो प्रोग्नेथस होता है। ये देखिए किस तरीके से ये है, बॉडी एक्सिस ये रही और हेड का एक्सिस अलाइनमेंट एकदम सीधा है, इन फ्रंट है, तो इसलिए इसको कहते हैं हम प्रोग्नेथस। और इस डायग्राम के थ्रू आप देख लीजिए, ये रहा बॉडी एक्सिस और यह हेड एक्सिस। नेक्स्ट जो अलाइनमेंट है वो है ऑपिस्थोग्नेथस। ऑपिस्थो मींस बिहाइंड और ग्नेथस मतलब जबड़ा या मुंह। तो आप यहां पे देखिए, इट इज आल्सो कॉल्ड हेमिप्टेरेट टाइप। यानी एक और क्वेश्चन यहां पे आपके लिए बन जाता है कि कौन सा हेमिप्टेरेट टाइप का अलाइनमेंट है, हेड अलाइनमेंट है, तो कौन सा है, वो है ऑपिस्थोग्नेथस और ऑपिस्थोरैंकस टाइप। ठीक है, ये वर्ड थोड़ा सा टफ हो रहा है, तो आप बस इस पे ध्यान दीजिएगा। हेमिप्टेरॉइड, हेमिप्टेरॉइड मतलब हेमिप्टेरा ऑर्डर से जो ज्यादातर इंसेक्ट बिलोंग करते हैं वो कहलाते हैं हेमिप्टेरॉइड, और उनके हेड अलाइनमेंट को हम बोलेंगे हेमिप्टेरॉइड। इंसेक्ट्स ऑफ हेमिप्टेरा ऑर्डर जैसे बग्स। ये देखिए डायग्राम आप देख लीजिए, ये रही बॉडी एक्सिस और ये पीछे की तरफ बॉडी के नीचे की तरफ जाता हुआ माउथ पार्ट, और ये रहा बॉडी का एक्सिस। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से पीछे की तरफ ये जाता है। ये ग्रीन प्लांट हॉपर जिसका आपने इमेज यहां पे देख रहे हो, इसका जो मुंह है ये नीचे की तरफ जाएगा। मैक्सिमम बग्स जो हैं उनका मुंह इस तरह से पीछे की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ हेड। हमने अभी तक हेड का सेगमेंटेशन स्टडी करा, हेड में कितने तरह की स्क्लेराइट्स होती हैं, कितने तरह के सूचर्स होते हैं, कौन सा सेगमेंट किस जगह पे रहता है, उसका क्या काम होता है, अभी तक हमने ये पढ़ लिया है इससे पीछे वाले पार्ट में। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट है वो है फंक्शंस ऑफ हेड। तो हेड के फंक्शंस क्या होते हैं, आप सब जानते हैं हेड के मेजर फंक्शंस हैं। पहला है खाना खाना यानी फूड इंजेशन। माउथ पार्ट हेड पे ही अटैच होता है तो वो खाना खाने के काम आता है। नेक्स्ट है सेंसरी परसेप्शन। बॉडी, इंसेक्ट बॉडी का मैक्सिमम जो सेंसरी पार्ट होता है वो हेड पे ही होता है, और दो मेजर ऑर्गन जो हैं वो हैं कंपाउंड आइज और एंटीना। ये दोनों ही सेंसरी ऑर्गन्स हैं, तो फंक्शन ऑफ हेड में सेंसरी परसेप्शन आ जाता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडीली एक्टिविटीज, यानी बॉडी की जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं उन सारी एक्टिविटीज के साथ में कोऑर्डिनेशन करने का काम भी हेड करता है। और इसके बाद लास्ट है प्रोटेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स, यानी कि जो भी कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी हेड का एक फंक्शन है। द अपेंडेज इज लाइक अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, ऑसिली अ पेयर ऑफ एंटीना, माउथ पार्ट्स आर कॉल्ड एज सेफेलिक अपेंडेजेस। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये सेंसरी ऑर्गन्स का भी काम करता है, यहीं पे फूड इंजेशन का भी काम होता है। दिस इज ऑल अबाउट द हेड, उसके फंक्शंस, हेड की स्क्लेराइट्स, हेड के सूचर्स, सेगमेंटेशंस। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको हेड अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे और भी इसी तरह के वीडियो एंटोमोलॉजी से रिलेटेड मैं आपको आगे देता जाऊंगा, और भी बहुत अच्छा मैं आपको इसमें वीडियो में बना के दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा टेलीग्राम लिंक भी नीचे दिया हुआ है। और अगर आपको डिस्क्रिप्टिव नोट्स चाहिए तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम का लिंक जरूर सब्सक्राइब कर लें।